हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जॉब अपडेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के बारे में, भारत के टॉप जॉब ओरिएंटेड आईटीआई कोर्स के बारे में। और आईटीआई कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या उम्र सीमा है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या जॉब आईटीआई करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, कौन कौन से फील्ड में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, आईटीआई पाठ्यक्रम के लिए एज लिमिट आईटीआई कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 14 से 25 वर्ष तक के बीच होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी गई है और विडोज और सेपरेटेड वीमेन के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आईटीआई कोर्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसमें बहुत सारे कोर्स है दोस्तों। आईटीआई 1 से 2 साल का भी कोर्स होता है, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 10th पास, 12th पास, कोई भी ग्रेजुएट भी कोर्स आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद बहुत सारे कंपनी में जॉब मिलता है। आईटीआई पास करने के लिए कैंडिडेट को पहले तो सरकारी एग्जाम दिया, सरकार एग्जाम लेती है, एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप पास करते हैं तो सरकारी आईटीआई कॉलेज में आपको एडमिशन दिया जाता है, वहाँ पे बहुत कम फी होता है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी आईटीआई कर सकते हैं, जो बहुत सारे हर जगह पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट आजकल आपको खुला है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और कोर्स कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए उपलब्ध आईटीआई कोर्सेज हैं। 1950 से हमारे देश में आईटीआई कोर्स स्टार्ट हुआ। तो चलिए बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रमुख आईटीआई कोर्स हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूं सबसे पहले तो वायरमैन है, यह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित वोकेशनल ट्रेड है तथा इस कोर्स के लिए 2 वर्ष चाहिए होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होता है, हर एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इस कोर्स में स्टूडेंट को एग्जीक्यूटिंग वायरिंग की रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग से संबंधित काम सिखाया जाता है। इसके अलावा वायरिंग, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूट इलेक्ट्रिक सिस्टम आदि के मेथड्स भी सिखाए जाते हैं। साइंस विषय सहित 10वीं पास स्टूडेंट यह कोर्स कर सकते हैं वायरमैन का। कारपेंटर, कारपेंटर के बारे में बात करते हैं, ये भी एक ब्रांच है आईटीआई में, ये एक छोटे पैमाने का पाठ्यक्रम कोर्स, ये क्राफ्ट्समैन कोर्स है और इस कोर्स की अवधि जो होती है 1 वर्ष की होती है। इस कोर्स का सिलेबस 6 महीने का 2 सेमेस्टर में पूरा हो जाता है। इस कोर्स के तहत स्टूडेंट को बिल्डिंग शिप्स, टिम्बर ब्रिजेज और कंक्रीट फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए टिम्बर कटिंग, शेपिंग, रीशेपिंग और इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से 8वीं क्लास पास करना है। यह कोर्स करने के बाद स्टूडेंट अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, बढ़ई वाला काम, कारपेंटर वाला काम जिसको बोलते हैं, ये आप कोर्स करके अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। वेल्डर, वेल्डिंग के लिए आपको इस ट्रेड को इस ट्रेड या कोर्स के तहत स्टूडेंट को वेल्डर्स, सेपर्स और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए मेटल स्ट्रक्चर को तैयार करना सिखाया जाता है। इसके लिए स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मेटल आइटम बनाना भी सिखाया जाता है। कोई भी वेल्डिंग का कोर्स करके किसी भी बड़े कंपनी में वेल्डर बन सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट पे डायग्राम को सीख के इसमें आउटलाइन और इमेजेस के इस्तेमाल से इस पेशे से संबंध काम सिखाया जाता है। इसमें वेल्डर बनने के लिए आप आईटीआई 2 वर्षीय वेल्डिंग, अगर वेल्डिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आपको भारत में बहुत सारी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। आप अपना भी काम शुरू कर सकते हैं, खाड़ी देशों में जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे जॉब हैं। इस कोर्स को करने के लिए साइंस 10वीं पास स्टूडेंट इस कोर्स को करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। 2 वर्ष का ये कोर्स होता है। अगली कोर्स के बारे में बात करें तो प्लम्बर है, 2 साल का कोर्स है ये। इस ट्रेड को करने के बाद ढेरों मौके हैं, अपना जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास। अगली कोर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इस कोर्स की अवधि 1 वर्ष की होती है। 10वीं पास स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स के तहत स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के हार्डवेयर, सिस्टम,
सेटिंग कंट्रोल और कोर्स के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी संस्था में किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, अपना अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये एक वर्ष का कोर्स है, बिल्कुल आप करिए। नेटवर्क टेक्नीशियन यह केवल 6 महीने का कोर्स है। नेटवर्क के बारे में ट्रेनिंग के बाद स्टूडेंट को डिप्लोमा दिया जाता है। इस कोर्स के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करें, ये भी एक ब्रांच है आईटीआई में। यह 2 वर्ष का वोकेशनल कोर्स है। इसको करने के बाद कैंडिडेट को 10वीं पास होना जरूरी है। स्टूडेंट को इसमें वायरिंग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिपेयरिंग के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स में मुख्यतः कैंडिडेट को लाइटिंग इंस्टॉलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन सिस्टम, बैटरी सर्विसिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट, रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अप्लायंस के बारे में, रिपेयर वायरिंग के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना जॉब भी शुरू कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। फाउंड्री मैन, इस आईटीआई कोर्स ट्रेड की एक्टिविटी फाउंड्री से संबंधित होती है। इस कोर्स के तहत स्टूडेंट को फाउंड्री से संबंधित कार्य को सिखाया जाता है। ये कोर्स तो इसमें मॉल्ड और कोर तैयार करना, फर्नेसेज ऑपरेटर करना सिखाया जाता है। इस कोर्स की अवधि 1 वर्ष की होती है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। 10वीं के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। फीटर, इस ट्रेनिंग कोर्स के तहत स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क की असेंबलिंग से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट को एंगल, आयरन, आई बीम्स, स्टॉल, स्लेट्स, हैंड टूल्स और वेल्डिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को असेंबल और फिट करना सिखाया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को 10वीं पास होना जरूरी है। यह कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट को अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। आईटीआई में बहुत सारे कोर्स हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कोर्स हैं, जैसे बुक बाइंडर, प्लम्बर, पैटर्न मेकर, एडवांस वेल्डिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, शीट मेटल वर्कर, टूल एंड डाई मेकर, एडवांस टूल एंड डाई मेकर, पेंट जनरल, माउल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सब आईटीआई के कोर्स हैं। इसके अलावा आप जो है मेसन का या राजमिस्त्री का भी कोर्स कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर होता है। 8वीं पास भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो बहुत सारे आईटीआई में कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं, जैसे ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल कंप्यूटर हार्डवेयर, फ्रिज एंड एसी मैकेनिक, वॉच एंड क्लॉक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, बेकर एंड कन्फेक्शनर, कटिंग एंड सीविंग, स्टोनोग्राफी, इंग्लिश सर्वेयर, ये सारा आईटीआई का कोर्स है। बहुत सारे कोर्स हैं। अब आईटीआई पास करने के बाद आपको जॉब कौन कौन से फील्ड में मिलेगा, उस पर बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि आईटीआई पास करने के बाद आपको जॉब, बहुत सारी कंपनी है जो आपको जॉब देती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, तो इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे में ग्रुप सी में सेकंड कैटेगरी सहायक, लोको पायलट, टेक्नीशियन, क्रेन ड्राइवर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर। ग्रुप डी में गैंगमैन, स्विचमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन, केबिनमैन, लीवरमैन, पॉइंटमैन, संटर्कीमैन, वेल्डर, फीटर, पोर्टर, ट्रैक मेंटेनर, ये सारे डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकता है। किसमें? इंडियन रेलवे में, अगर आप आईटीआई कर लिए हैं तो। दूसरी डिपार्टमेंट जो है जहां आप आईटीआई करने के बाद जॉब कर सकते हैं, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रीशियन का, वायरमैन का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, फीटर का, मैकेनिक का, टेक्नीशियन का, ऑपरेटर का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, वेल्डर का, स्टोनोग्राफर का और प्लम्बर का, मैकेनिक का, डीजल मैकेनिक का, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, इसमें भी आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब मिल सकता है। इंडियन आर्मी में आपको कांस्टेबल का, टेक्निकल और ट्रेडमैन का पोस्ट पे नौकरी मिल सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आपको आईटीआई पास का बहुत सारी जॉब की भरमार आती है। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, जनरल एग्जामिनर, मशीनिस्ट, टर्नर, मिल लाइटर, इलेक्ट्रो
प्लेटिंग एग्जामिनर, टर्नर, फीटर, इलेक्ट्रिकल फीटर, रेफ्रिजरेशन, मोल्डर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट, पेंटर और एग्जामिनर वेल्डर ट्रेड। आयलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी आईटीआई की बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आती है। IOCL में, ONGC में बहुत सारी कंपनी है जिसमें बम्पर वैकेंसी आती है, आप बिल्कुल जॉब कर सकते हैं। कई सारे आप गल्फ कंट्री में जॉब कर सकते हैं, गल्फ कंट्री में लगभग कंट्री में ITI की सारे कंपनी में ओपनिंग आती है। भेल है, सेल है, NPCIL है, THDC है, PSPCL है, HCL है, ये सारे कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। प्लस टाटा मोटर में, मारुति सुजुकी में, होंडा में, ये सारी कंपनी में ITI पास की रिक्वायरमेंट होती है और जॉब करते हैं। तो दोस्तों ITI करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, सस्ता कोर्स है, आप बिल्कुल करिए। सरकारी संस्था से करते हैं तो आपको सस्ता कम खर्च में होता है, प्राइवेट से करते हैं तो आपको 30,000-40,000 में ये कोर्स होता है। तो आप यहाँ तक तो अब तो ITI कई सारी कंपनी जो है ऑयल एंड गैस की वो ITI पास को ढूंढते हैं। तो दोस्तों ये थी ITI कोर्स के बारे में, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।